पहली बात तो है कि प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, करना चाहिए था। दूसरा विषय ये एक पॉलिटिकल इश्यू है, क्योंकि इलेक्शन के दिनों में तेजेंद्र बग्गा ने कई बार जाकर भाषण दिया, भाषण के अंदर पुलिस यानी भाषण के अंदर एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाना, पॉलिटिकल बातें करना, ये सामान्यता चलता है। और इसमें कोई घटना होती भी है तो चुनाव आयोग के संज्ञान में आती है, बाद में पुलिस उसको देखती है और एक सहज रूप से एक चार्जशीट बनती है, उसमें कहीं छूटता है, कोई होता है, किसी को वार नहीं मिलती, कुछ भी होता है। पॉलिटिकल इश्यूज इस प्रकार से ज्यादा चला नहीं करते हैं, लेकिन पंजाब पुलिस के ऊपर इस प्रकार का दबाव बनाना कि पॉलिटिकल आदमी को वहां से इस प्रकार से उठा के लाना, आखिर इतना परस्पर सद्भाव रखना चाहिए, ये पॉलिटिकल पार्टियों में अगर इस प्रकार का एक वैमनस्य बढ़ेगा, वैर बढ़ेगा, तो चीजें कहीं तक नहीं रुकेंगी, इसलिए नहीं करना चाहिए था। हाँ, सामान्य प्रक्रिया में उस एफआईआर के हिसाब से बहुत कार्रवाई हो सकती है, चार्जशीट देते, कुछ भी करते, एक भाषण के, और अगर बहुत ज्यादा उसके अंदर कोई मान लो एक सीमा पार किसी द्वारा कर दी गई हो, मुझे नहीं मालूम कि क्या बोला क्या नहीं बोला, ना मैंने वो को, उसका कुछ सुना है, लेकिन उसका रास्ता ये होता है कि उसका निर्णय चार्जशीट करके कोर्ट के ऊपर छोड़ना चाहिए। कोर्ट का ये पंजाब की दूसरी बड़ी कार्रवाई है जी, पहले स्मृति ईरानी जी के खिलाफ भी, जैसे उन्होंने केस तरफ, फिर डेमोक्रेटिक सेटअप को नुकसान पहुंचाने की ये कार्रवाई पॉलिटिकल शय के ऊपर, सरकार की शय के ऊपर पुलिस को करनी पड़ी होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। एक सवाल है ये ना, उसकी निंदा कर रहे हैं, मैं कहता हूँ इस घटना की जितना निंदा की जाए उतनी कम। कल एक बहुत बड़ा हरियाणा पुलिस को बहुत बड़ी उपलब्धि थी जो करनाल के पास पकड़े हैं चार अंतर, और आज पूर्वत सिंह पन्नू ने वीडियो मैसेज करके और आपके नाम और भी साहब का नाम देके एक और वीडियो सोशल मीडिया में भी डाल दिया, पत्रकारों को भी डालते हैं इस, क्योंकि अब आज की जो घटना पता लगी है कि लोकल लोगों से जहाँ भी करनाल में इन लोगों का संपर्क में थे, जैसे आज टीवी पे चल रहा था एसपी करनाल की तरफ से, तो इसमें वास्तविकता क्या निकली, क्या ये भी उधर से बारी तो थे या लोकल से? तो ये बहुत बड़ी एक घटना है, सुरक्षा एजेंसियों के लिए जांच करने का विषय है, कोई भी चीज ज्यादा कहना हमारे लिए भी ठीक नहीं है, लेकिन जो अभी तक पुलिस की जानकारी में पूछताछ में जो बातें आई हैं, पंजाब के व्यक्ति हैं और पाकिस्तान में जो व्यक्ति बैठे हैं, बिंदा क्या नाम था इनका, बिंदा इंडा, वहां से इन्होंने ये सामान सप्लाई किया है, और जानकारी ये मिली है कि ड्रोन के द्वारा सप्लाई की गई है, और ये बीच में मीडिएटर जैसे होते हैं सप्लाई करने वाले, इनका एक उनके हाथ लिंक था ये।